महिलाओं की शिक्षा पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का ढुलबुल रवैया बरकरार। देश के विदेश मंत्री ने कहा, महिलाओं की शिक्षा पर उनकी सरकार को और समय चाहिए। यूएन महासचिव ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर लगाया था तालिबान पर धोखे का आरोप। ईरान की सेना ने शुरू किया 2 दिन तक चलने वाला सैन्य अभ्यास। अभ्यास में ईरान के एयर डिफेंस को परखा गया। इसी महीने ईरान ने अजरबैजान की सीमा के करीब भी किया था सैन्य अभ्यास। उसके ठीक पहले अजरबैजान ने ईरानी सीमा के साथ पाकिस्तान और टर्की के साथ किया था सैन्य अभ्यास। इसराइल और ईरान में बड़ी तनातनी। इसराइली प्रधानमंत्री नेफ्टाली बैनेट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया। बोले, उन्हें उम्मीद है कि वैश्विक शक्तियां इस मुद्दे पर ईरान को ठहराएंगी जवाबदेह। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेट्टारेल्ला से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ यूरोपीय नीतिगत मुद्दों पर बातचीत हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएन कॉन्फ्रेंस में कही बड़ी बात। बोले, साल 2030 से उनका देश किसी भी सामान का आयात नहीं करेगा जिसके कारण पेड़ों की कटाई होती है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे सभी देशों से अनुरोध किया। बोले, पृथ्वी को बचाने के लिए कड़े कदम हमें उठाने होंगे। सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े चार्ल्स ने कहा, समय हमारे साथ नहीं है। फिलीपींस के माउंटेन प्रांत में जबरदस्त तूफान और बारिश के कारण 9 लोगों की मौत हो गई, 11 लापताएं। भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। सेंट्रल लंदन में लगी क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्ति को कुछ शरारती लोगों ने नुकसान पहुंचाया। कांस्य से बनी मूर्ति पर अज्ञात लोगों ने लाल रंग पोत दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस 15वीं सदी के मशहूर इटालवी खोजकर्ता रहे जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। न्यूयॉर्क के वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने इस साल और अगले साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट का अंदेशा बताया। इस साल के लिए ग्रोथ रेट को 5% से घटाकर 4.5% किया। साथ ही अगले साल के लिए 4.5% से घटाकर 4% किया। उपभोक्ता खर्च में कमी का भी हवाला दिया। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में पुलिस की कार में लगे डैश कैमरा में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। सड़क के किनारे खड़ी एक कार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर से ठीक पहले पुलिसकर्मियों से बात कर रहे शख्स ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। भीषण टक्कर में कोई घायल नहीं हुआ।